मऊ के एक मदरसे में छात्रा के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने रेप का आरोप मदरसे प्रबंधक के भाई पर लगाया है। परिजनों ने प्रबंधक के भाई के साथ चार लोगों के खिलाफ घोसी कोतवाली में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने प्रबंधक के भाई को हिरासत में लेकर अन्य अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी है। 4 तारीख की घटना को प्रदर्शित करते हुए नाबालिग की पीड़िता की मां के द्वारा मदरसे के एक व्यक्ति और 4 अन्य साथियों के विरुद्ध कमरे में बंद करना और बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पीड़िता का उसके बयानों के आधार पर विवेचक द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित है और प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है और प्रबंधक के भाई से पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।